गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे आपको पता ही है आज अपना इम्तिहान का दिन है। 16 जून हो गई और आज अपना प्रीलिम्स का दिन भी आ गया है और काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी तो गाड़ियाँ लेके आए हैं। पता चल गया इनको, लगता है ये IAS IPS बनने वाले हैं तो पहले से ही गाड़ियाँ लेके आ गए हैं। चलो दोस्तों, अपन तो पैदल ही आए हैं तो अपन चलते हैं अपने सेंटर की तरफ। वैसे भी आज मैं बहुत जल्दी आ गया था, 8 बजने से पहले ही सेंटर पर पहुँच गया था दोस्तों। तो ये पजामे वाले अंकल ने आज तो ये अलग ही खेल कर दिया आज इन्होंने। जब मैं वीडियो बनाते हुए जा ही रहा था, मैं देख रहा था कि कितने बच्चे आए हैं सेंटर पे। बच्चे तो खूब आए हैं, सबको IAS IPS बनना है। काफ़ी बच्चे अभी भी किताबें लेके ही बैठे हैं, अभी एग्जाम हॉल पे आए हैं और सुबह सुबह ही किताबें लेके बैठ गए हैं। क्या बताए, थोड़ी दूर ही आया था कि पता चला उन अंकल ने स्कूटी है वो स्कूटी ठोक दी। अपने बिटिया को एग्ज़ाम दिलाने ला रहे थे, मेरे को लग रहा वो सीधे एग्ज़ाम हॉल में छोड़ रहे थे बिटिया को। ये तो अच्छा हुआ कि गेट बंद था, नहीं तो वो सीधा ही निकल जाते अंकल जी तो आज। अंकल जी को लगता ज़्यादा लगी तो नहीं, ये पुलिस वाले भैया भी आ गए देखने की, ज़्यादा लगी तो नहीं। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं लगे अंकल जी के, सिर्फ ये घोड़े हैं, घोड़ों पर लगे, घोड़े छिल गए अंकल जी के। पर अंकल जी के बिटिया वो सामने वाले वाले लोगों को ही बोल रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों खड़े थे, क्योंकि इनके वजह से मेरे पापा जी गिर गए। ये भाई तो खुश हो रहा है कि भाई अच्छा हुआ ये तो बच गया, मैं तो बच गया, कोई नहीं लगी नहीं गई। ये बिटिया बोल रही है कि फालतू में क्यों खड़े थे सामने, सीधा हम एग्जाम हॉल जा रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर इन्होंने पुलिस वालों ने गेट बंद कर रखा था कॉलेज का, ये नहीं तो आज सीधा एग्जाम हॉल में सीधा लेके जाने वाले थे अंकल जी। फिर ये पुलिस वाले भैया ने भी गेट खोल दिया है, क्या कोई नहीं, कोई बीटिया दूसरी बीटिया आएगी क्या पता, सीधे ही पहुंच जाए तो अच्छा है। तो अपन अपना रोल नंबर चेक करते हैं, देखते हैं अपन अपने कौन से रूम में आया है। और ये सरदार जी, यहाँ पर एक सरदार जी हैं, वो भी अपनी बीटिया का रोल नंबर चेक कर रहे हैं। सरदार जी 4-5 बार क्रॉस चेक करवा रहे हैं बीटिया को, देख लो फिर पता चले कि किसी और का एग्ज़ाम दे रही हो। तो दोस्तों, अपना GS का पेपर कंप्लीट हो गया। पेपर देखने में तो इजी लग रहा था, और इजी है मतलब कट ऑफ तो हाई जाने वाली है इस बार। पर अब CSET के लिए अपन बैठ जाते हैं कहीं छाँव देख के, यहाँ कुछ बैठने की जगह तो है नहीं। स्कूल है पर नहीं, कॉलेज है पर ये बैठने की जगह नहीं है यहाँ पर। ये पेड़ों के नीचे बैठ रहे बेचारे भाई IAS RS है, और कुछ IAS RS गाड़ियों में बैठे हैं, फड़ रहे हैं। अभी CSET के कुछ फॉर्मूले हैं, थोड़े देख लेते हैं। मैं भी अब 4th ही लाया हूँ फॉर्मूले की, वो देख लेता हूँ। अपन चलते हैं अपन CSET के एग्ज़ाम देने के लिए। टाइम हो गया अपना, 1:30 बज गई है, तो एंट्री होने लग गई है अपन ने भी। चलो अपन भी अपना बैग वैग जमा करवा देते हैं। बैग भी आज 2 बार जमा करवाना पड़ेगा, पूरा मतलब धंधा खोल रखा है बढ़िया मस्त। तो दोस्तों, अपना पेपर CSET वाला भी कंप्लीट हो गया है, और अपन अब रूम की ओर चलते हैं जल्दी से। बहुत धूप हो रही थी आज, पूरे धूप में जल गए आज तो। कोई नहीं, एक एक दिन तो जलना ही था। पेपर को देखे तो पेपर GS वाला पेपर है वो थोड़ा इजी था, मतलब 2023 की अपेक्षा। और CSET वाला भी उतना हार्ड नहीं था 2023 के जितना, लेकिन कट ऑफ तो निश्चित ही ऊपर जाने वाली है, कट ऑफ हाई रहेगी मेरे को तो लग रहा है, 85 से हाई रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आगे।